हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेहानस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंगस्टन ह्यूज की पोएम आई टू। स्टूडेंट्स, लैंगस्टन ह्यूज का पूरा नाम जेम्स मर्सर लैंगस्टन ह्यूज है, जिन्हें अफ्रीकन अमेरिकन एक्टिविस्ट, पोइट, नॉवलिस्ट, प्लेराइट एंड स्टोरी टेलर के रूप में जाना जाता है। लैंगस्टन ह्यूज ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन्स के जीवन में सुधार चाहते थे और उन्होंने ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन्स के जीवन का चित्र अपने वर्क्स में पेश किया। ह्यूज को जैज पोइट्री के इनोवेटर के रूप में भी जाना जाता है। उनको हर्लेम रेनेसा नाम की एक मूवमेंट के लीडर के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें पोइट लॉरियट ऑफ हर्लेम का खिताब भी मिला। ह्यूज का जन्म 1902 में मिसौरी में हुआ था। जब वह छोटे थे तो उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था और वह 13 वर्ष तक अपनी नानी के पास इलिनॉय में चले गए थे। तब उन्होंने पोइट्री लिखनी शुरू कर दी। उनकी फर्स्ट बुक नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स पब्लिश हुई। उनकी पोइट्री की बुक द वेरी ब्लूज 1926 में पब्लिश हुई। 1930 में पब्लिश हुए उनके पहले नॉवल नॉट विदाउट लाफ्टर को हरमन गोल्ड मेडल मिला। उन्होंने 60 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी। द वेज ऑफ वाइट फोक्स, द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स, नॉट विदाउट लाफ्टर, आई वांडर एज आई वांडर, फाइट्स फॉर फ्रीडम उनके वेल नोन लिटरेरी वर्क्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर पोइम के थीम और टाइटल की बात करें तो पोइम आई टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की थीम को डिस्कस करती है। अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को नीचा समझा जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसीलिए पोइट इस पोइम में अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। टाइटल ऑफ द पोइम इज अ रिस्पॉन्स टू वॉल्ट विटमैन्स पोइम आई हेयर अमेरिका सिंगिंग। समरी ऑफ द पोइम, ये पोइम ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए एक स्पष्ट रेफरेंस है। पोइट डार्क कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वह कहता है कि वह भी अमेरिका के गीत गाता है। वह अपने आप को सच्चा देशभक्त समझता है और अमेरिका के गीत गाता है, लेकिन उसके साथ भेदभाव किया जाता है। उनके साथ बैठकर खाना खाना गोरे लोग अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। जब गेस्ट आते हैं तो वह उनको किचन में खाना खाने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वह इस बात को लेकर अपमानित महसूस नहीं करता। वह अपने मन ही मन खुश होता है और किचन में चला जाता है। वह अच्छा खाता है, मजबूत रहता है और वह ज़्यादा मेहनत करता है और उन्नति करता है। अफ्रीकन अमेरिकन अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी आशावादी है। वह काले रंग की वजह से होने वाले भेदभाव के बावजूद भी आशावादी है। उसको विश्वास है कि एक दिन वह उन्हें लोगों से सम्मान प्राप्त कर लेगा। तब उसे कोई भी किचन में बैठकर खाना खाने को नहीं कहेगा। इसके बजाय वह उसको देखकर खुश होंगे। वह उसकी असली सुंदरता को पहचानेंगे, उसके गुणों को पहचानेंगे। वाइट पीपल भी इस बात को समझ जाएंगे कि वह भी अमेरिका का हिस्सा है। तब इस बात पर शर्म महसूस करेंगे कि कैसे वह काले लोगों के साथ वितकरा करते आए हैं। तब वह उसे अपने बराबर समझेंगे। लेट्स एक्सप्लेन द पोएम स्टैंजा बाय स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में कवि अफ्रीकन लोगों की भावनाओं को प्रकट करता हुआ कहता है कि गोरे लोग उसके साथ इज्जत से पेश नहीं आते। इन लाइनों में आई वर्ड ब्लैक कम्युनिटी के सभी लोगों को प्रेजेंट करता है। कवि कहता है कि वह भी प्रेम से और उससे सम्मान से अमेरिका के गीत गाता है जैसे गोरे लोग गाते हैं। वह भी अमेरिका का रहने वाला है। वह कहता है कि फिर भी गोरे लोग उसके साथ भेदभाव करते हैं और उसके साथ खाना खाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। जब उसके घर में कोई गेस्ट आता है तो वह ब्लैक सर्वेंट को
किचन में खाना खाने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वह इस बात से अपमानित नहीं होता। वह हंसता है, खुश रहता है और खाता है। वह और भी स्ट्रांग बन जाता है। वह हार्ड वर्क करता है और उन्नति करता है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ब्लैक लोगों के साथ किए गए भेदभाव को पेश करता है, सेकंड स्टैंजा में वह अपने फ्यूचर को लेकर आशावादी है। ही इज़ सर्टेन ऑफ जस्टिस एंड हिज सोशल एक्सेप्टेबिलिटी। उसको विश्वास है कि एक दिन आएगा जब वह गोरे लोगों की तरह सम्मान प्राप्त कर लेगा। वह भी उनके साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खा सकेगा। तब कोई भी ये बात कहने की हिम्मत नहीं रखेगा कि किचन में जाकर खाना खाओ। अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन को इस बात का विश्वास है तब लोग उसका अपमान करना छोड़ देंगे। वह कोई भेदभाव नहीं करेंगे। वह उसकी सुंदरता को पहचानेंगे और उसकी क्वालिटीज़ को पहचानेंगे। वह इस बात को समझेंगे कि जैसे गोरे लोग अपने अमेरिका को प्यार करते हैं, वैसे ही ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन भी अमेरिका को प्यार करते हैं और अमेरिका के गीत गाते हैं। वह कहता है कि गोरे लोगों को इस बात से शर्म महसूस होगी कि वह कैसे ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ बुरा व्यवहार करते आए हैं। इसके साथ ही पोइट आशावादी है कि एक दिन उन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। इस पोइम में पोइट ने एल्यूजन, एक्सटेंडेड मेटाफर, एलिट्रेशन, एसोनेंस, कंसोनेंस, सिंबलिज्म, एंजैपमेंट जैसी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया है। ये पोइम वॉल्ट विटमैन की पोइम आई हेयर अमेरिका सिंगिंग का रेफरेंस है। आई हेयर अमेरिका सिंगिंग में भी वॉल्ट विटमैन अमेरिका का गीत गाता है। इस पोइम में पोइट ने मेटाफर और एक्सटेंडेड मेटाफर जैसी डिवाइसेस का यूज़ किया है, जो कि हम ऑल थ्रूआउट द पोइम नोट कर सकते हैं। ईट इन द किचन, When company comes, extended metaphor की examples हैं। इस poem में repetition of particular speech sound, vowels and consonants का use किया है, जो कि alliteration, assonance और consonants की examples हैं। इस poem में poet ने symbolism का use किया है। company का literary meaning guest और visitors हैं, लेकिन यहाँ कंपनी वाइट सोसाइटी का सिंबल है। डिनर टेबल इस पोएम में स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और पावर का सिंबल है, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन के पास नहीं है। इस पोएम में एंजैपमेंट, दैट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस और अ फ्रेज फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट, नाम की डिवाइस का भी यूज़ किया गया है। यह पोइम फ्री वर्स में लिखी गई है। थैंक यू काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट।